इसके बाद क्या हुआ कि तुम मर गए। हमारा ईमान है कि मरने के बाद सब की रूहें आसमानों पे चली जाती हैं। तो फिर कभी सोचा दरबार वालों की रूहें आसमानों पे चली जाती हैं, तो फिर दरबार में क्या है? वो जो अजाफी चीजें थी, रूहें उनकी भी आसमान पे चली गई। वो अजाफी चीजें जिनको लताएं बोलते हैं, वो वली बन के दरबार पे बैठ गई। लोगों को फैज पहुंचाती हैं, नमाज पढ़ती हैं, जिक्र करती हैं, और क्यामत तक इसका सवाब उनकी रूह को मिलता रहेगा। शब महराज में हजूर पाक मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरे, देखा मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। आप फौरन ऊपर पहुंचे, देखा मूसा अलैहिस्सलाम वहां भी मौजूद है। मस्जिद रहमतुल्ला से किसी ने पूछा कि आप तो फलां दिन खाने काबे में देखा, पर माने वाले मैं नहीं गया। दूसरे ने कहा उसी दिन हजूर पाक के रोजे पे देखा कि मैं नहीं गया। तीसरे ने कहा उसी दिन गौस पाक के रोजे पे देखा कि मैं नहीं गया। लोगों ने पूछा फिर क्या था, पर माने लगे मेरा अंदर था। जितने भी यहां बैठे हैं वो अंदर, सबके अंदर मौजूद है। अगर उन 16 में से तुम एक को भी जगा लो तो तुम मर के भी जिंदा हो। अगर तुमने अपनी जिंदगी में उनको बर्बाद कर दिया, 40 साल के बाद वो खत्म होने शुरू हो जाती हैं। आस्ता आस्ता 40 साल के बाद खत्म होने शुरू हो जाती हैं, और मरते वक्त हो सकता है वो खत्म ही हो जाए। गौस पाक की एक वक्त में 9 आदमियों ने दावत पकाई, 9 के घर जाके खाना खाया। बहुत से लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जो लोग आप तो मानने वाले हैं वो कहते हैं ऐसा जरूर हुआ, उनको भी नहीं पता कैसे हुआ। गौस पाक का जिस्म मुबारक मस्जिद में मुअज्जिन के पास था, और वो जिस्म के अंदर की चीजें उधर जाके खाना खा रही थी। अगर उन्होंने खाना खाया होगा, बैठी भी होंगी, उठी भी होंगी, बातें भी करी होंगी, और जिसमें उठने बैठने बातों की ताकत है, नमाज में यही कुछ है। हो सकता है उनकी नमाज खाना काबा में होती हो, और वो जो कहते हैं कि दरवेश की नमाज अर्शे मौला में होती है, ये जिस्म अर्शे मौला में नहीं जाता है, वो जिस्म के अंदर की चीजें अर्शे मौला में जाती हैं, और उसका स्वाद किसको मिलता है? जिसकी है।